हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी के कठिन शब्दों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुनक्का, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। म माँ पे छोटी उ की मात्रा, फिर न, फिर आधा क, फिर क क पे आ की मात्रा। म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे छोटी उ की मात्रा है और छोटी उ की मात्रा को इंग्लिश में यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एम के आगे यू लगा देंगे। फिर है न, न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। जब न बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, न आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर एन के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा क, पूरे क को हम के ए लिखते थे तो आधे क को क्या लिखेंगे, सिर्फ के लिखेंगे। फिर से क है तो हम फिर से के लिख देंगे और क पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा एम यू एन ए के ए मुनक्का। विराट कोहली, विराट कोहली को तो आप सब लोग जानते होंगे, तो चलिए इनके नाम को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये भी जान लेते हैं। वो को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। वो पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को इंग्लिश में आई लिखते हैं इसलिए यहाँ पर वी के आगे आई लिख देंगे। फिर है रो, रो को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। रो पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है टो, टो को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। फिर है कोहली, तो क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को इंग्लिश में ओ लिखते हैं इसलिए यहाँ पर के आगे ओ लगा देंगे। फिर है ह, ह को इंग्लिश में एच लिखते हैं तो यहाँ हम एच लिख देंगे। फिर है ल, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो मैंने बताया था आपको कि जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। तो ये बन जाएगा वी आई आर ए टी विराट, के ओ एच एल आई कोहली, विराट कोहली। मलाई कोफ्ता, मलाई कोफ्ता तो आप सबको बहुत पसंद होगा, मुझे भी बहुत पसंद है, तो चलिए अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये भी जान लेते हैं। म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, म, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर एल के आगे ए लगा देंगे। फिर है बड़ी ई, बड़ी ई आखिर में आ रही है इसलिए यहाँ पर हम आई लगाएंगे। फिर है कोफ्ता, तो क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को इंग्लिश में ओ लिखते हैं इसलिए यहाँ पर के आगे ओ लगा देंगे। फिर है आधा फ, पूरे फ को हम एफ ए लिखते थे तो आधे फ को क्या लिखेंगे, सिर्फ एफ लिखेंगे। फिर है तो, तो को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ टी लिख देंगे। तो पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर टी के आगे ए लगाएंगे। तो ये बन जाएगा एम ए एल ए आई मलाई, के ओ एफ टी ए कोफ्ता, मलाई कोफ्ता। शर्मा, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। श, फिर आधा र, फिर म, म पे आ की मात्रा। श को इंग्लिश में एस एच लिखते हैं तो यहाँ हम एस एच लिख देंगे। जब श बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, श, इसलिए यहाँ पर एस एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा र, पूरे र को हम आर ए लिखते थे तो आधे र को हम सिर्फ आर लिखेंगे। फिर है म, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगाएंगे। तो ये बन जाएगा एस एच ए आर
एम ए शर्मा, गुलशन। तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ग ग पे छोटी उ की मात्रा, फिर ल, फिर श, फिर न। ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। ग पे छोटी उ की मात्रा है और छोटी उ की मात्रा को इंग्लिश में यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर जी के आगे यू लगा देंगे। फिर है ल, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। अब यहाँ पर हम गुलशन बोल रहे हैं तो यहाँ पे ल पे अ की ध्वनि नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम एल के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है श, श को इंग्लिश में एस एच लिखते हैं तो यहाँ एस एच लिख देंगे। जब श बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, श आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर एस एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है न, न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। तो ये बन जाएगा जी यू एल एस एच ए एन, गुलशन। पानीपुरी। पानीपुरी का नाम सुनकर तो आप सबके मुंह में पानी आ गया होगा, तो चलिए इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये भी जान लेते हैं। तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। प, प पे आ की मात्रा, नो, नो पे बड़ी की मात्रा। फिर है पुरी, प, प पे छोटी की मात्रा, र, र पे बड़ी की मात्रा। प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है नो, नो को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। नो पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आएगी तो हम क्या करते हैं, आई लगाते हैं, तो यहाँ हम आई लिख देंगे। फिर है पूरी, तो प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ फिर से हम पी लिख देंगे। प पे छोटी उ की मात्रा है और छोटी उ की मात्रा को इंग्लिश में यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ हम पी के आगे यू लिख देंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ आर लिख देंगे। र पे भी बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, इसलिए यहाँ हम आर के आगे आई लगा देंगे। तो ये बन जाएगा पी ए एन आई, पानी, पी यू आर आई, पुरी, पानी पुरी। सूर्य कुमार। तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। स, स पे बड़े उ की मात्रा, फिर आधा र, फिर य। क, क पे छोटी उ की मात्रा, म, म पे आ की मात्रा, फिर र। सो को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ एस लिख देंगे। स पे बड़े उ की मात्रा है और बड़े उ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल ओ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम यू का इस्तेमाल करेंगे। उसका रीजन ये है, जब हम सूर्य कुमार बोल रहे हैं तो उसमें हम स पे थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ हम एस के आगे यू लगाएंगे। फिर आधा र, पूरे र को हम आर ए लिखते थे तो आधे र को क्या लिखेंगे, सिर्फ आर लिखेंगे। फिर है य, य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ वाई लिख देंगे। अब यहाँ पर य पे अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम वाई के आगे ए लगाएंगे। फिर है क, क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ के लिख देंगे। क पे छोटी उ की मात्रा है और छोटी उ की मात्रा को इंग्लिश में यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर के आगे यू लगा देंगे। फिर है म, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे बड़े आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ आर लिख देंगे। तो ये बन जाएगा एस यू आर वाई ए, सूर्य, के यू एम ए आर, कुमार, सूर्य कुमार। चतुर्वेदी। तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। च को इंग्लिश में सी एच लिखते हैं तो यहाँ सी एच लिख देंगे। जब च बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, च आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर सी एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है तो, तो को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। तो पे छोटे उ की मात्रा है और छोटे उ की मात्रा को इंग्लिश में यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर टी के आगे यू लगा देंगे। फिर है आधा र, पूरे र को हम आर ए लिखते थे तो आधे र को क्या लिखेंगे, सिर्फ
आर लिखेंगे, फिर है व, व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। तो व पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा को इंग्लिश में ई लिखते हैं इसलिए यहाँ पर वी के आगे ई लगा देंगे। फिर है द, द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ डी लिख देंगे। द पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है इसलिए यहाँ पर डी के आगे आई लगा देंगे। तो ये बन जाएगा सी एच ए टी यू आर वी ई डी आई चतुर्वेदी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर देना जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके।